छतरपुर शहर में अवैध रूप और बगैर पार्किंग व्यवस्था के चल रहे मैरिज गार्डनों के कारण शहर के मुख्य मार्गों में जाम की स्थिति निर्मित होती है, जिससे एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाएं बाधित हो जाती हैं, जिससे मरीजों की इलाज न मिलने के कारण मृत्यु भी संभावित है और आम नागरिकों को भी जाम में घंटों फंसे रहना पड़ता है, जिससे बहुत ही असुविधा होती है। शहर के कुछ प्रमुख मैरिज गार्डन कल्याण मंडलम, लॉ कैपिटल होटल, विराज मैरिज गार्डन, शहनाई गार्डन, शगुन वाटिका, ओम साई राम होटल, नंदी बालाजी विवाह घर, सहमवी गार्डन आदि बजरंग सेना ने SDM महोदय से मांग की है कि संबंधित मैरिज गार्डनों के रजिस्ट्रेशन की जांच कराई जाए, पार्किंग की समुचित व्यवस्था करवाने के लिए नोटिस जारी किया जाए और जो अवैध रूप से मैरिज गार्डन चल रहे हैं उनको बंद करवाया जाए। क्या बंद किया है, क्या बजरंग सेना मांग करते हैं? आज हमारे बजरंग सेना के युवा भाइयों ने जो शहर में ऐसे मैरिज गार्डन है जो राष्ट्रीय मार्ग पर है और उनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, शहर के सभी लोग इससे परेशान हैं, दो दो तीन तीन घंटे उन्हें जाम में फंसा रहना पड़ता है, साथ ही जो एम्बुलेंस भी उसमें फंस जाती हैं तो मरीजों की दो तीन बार मृत्यु भी हो गई है इसके कारण। तो हम लोगों ने SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है, SDM साहब ने कहा है कि दो तीन दिन में हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये पूरे समाज के लिए समाज का मुद्दा है। वास्तव में पूरा शहर परेशान है, जब भी यहाँ से किसी कहीं से भी निकलते हैं शाम के समय तो दो या तीन घंटे जाम में फंसा रहना पड़ता है। ये लोग जो भी मैरिज गार्डन चला रहे हैं उनकी तरफ से आज तक आपने देखा होगा शहर में एक रुपए का भी कहीं समाज के लिए खर्चा नहीं किया जाता है, लाखों रुपए कमाते हैं हर शादी में, कम से कम एक एक दो दो लाख रुपए लेते हैं और अपने लिए अपनी ये भर रहे हैं। तो समाज के लिए अगर 5-10% भी करते होते तो हम लोग चाहे सोचते कि हाँ या भाई ये लोग कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कुछ भी समाज के लिए नहीं किया जाता है। मैं मांग करता हूँ कि इनके द्वारा जो जितने पैसे कमा रहे हैं तो समाज के लिए भी खर्चा करें और इस पर तुरंत कार्रवाई हो। माननीय के महोदय ने आश्वासन दिया है कि दो या तीन दिन में हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कई बार SDM ने प्रशासन आश्वासन देता है पूर्ण रूप से अब